सुबह सुबह ये आदमी कभी नहीं मेरा काम करता था, मगर आज देखिए क्या किया है। इसमें छत पे चढ़ा और सीम की फलियां तोड़ के लाया है, और भी मेरे लिए नहीं लाया है। फोन पकड़ो और जो बोलेंगे जो करो, जो करेंगे जो करो। हाँ, वहां पे जाएगा फोन लेके उस कॉर्नर में, वहां पे कुछ हलचल हो रहा था, कलम देखे हैं। क्या हलचल हो रहा था? देखो ना, लगो ना। लेकिन हमको दहेज नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे ये लोग करके वसूल कर दिया। दहेज नहीं मिला ना। मैंने नहीं लिया, आई डिडंट डिमांड फॉर दिस, और इतना परेशान किया है। बट इतने सालों में लोग इतना कर दिए और दे दिए कि दैट इज मोर देन दैट। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा आप सभी को, दहेज नहीं लीजिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों, प्रीति जोड़े से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो अंकता अभी साफ नहीं बताने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ, और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अभी रीज़न बताऊँगी मैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों हूँ। और अभी बज रहे शाम के 5:05 बज गए, मैंने कपड़ा बदल लिया। लोग सुबह बदलते, मैं शाम को बदलती हूँ, क्योंकि मैं उल्टी हूँ, मेरा हर एक चीज़ उल्टा है। मैं दूसरे ब्रह्मांड की हूँ, आप सबके लेवल की नहीं हूँ, तो मैं उल्टा पुल्टा काम करती हूँ। अच्छा, इस तरह से महाभारत किसके घरों में होता है जरूर बताइएगा कमेंट करके। सुनो ना, लग जो दो मिनट रुक जाओ, आराम से बैठो। जब भी कुछ सोचते ना, अच्छा करे अच्छा बोले, तब तक यही लोग मेरा मूड करना पता नहीं एकदम चुंगम बना देता है, चबा चबा के। और फिर हम सबको देते हैं दबा दबा के इसी मोटे मोटे हाथ से, भारी भारी हाथ से। देख रही हो, देंगे ना खनफट्टी में, इधर मारेंगे तो इधर से आवाज आएगा। और हम आज कैसा लग रहे जरूर बताइएगा। जानते हैं कि आप लोग हमको ऐसे बहुत पसंद। आज हम थोड़ा उल्टा पुल्टा छुट्टी बनाया, ऐसे इधर उधर मोड़ दिए हैं, इधर उधर मोड़ दिए हैं, ठीक है। और बिंदी भी लगाए, आप लोग बोलते थोड़ा सा बिंदी लगाया करो, तो बिंदी लगाया। वैसे मेरा मुंह इतना बड़ा और बिंदी छोटा सा, पता है एक्चुअली हम सब कुछ कर सकते, बस बिंदी मेरे को सूट नहीं करता, हमको ऐसा लगता है, इसीलिए हम बिंदी नहीं लगाते हैं। थोड़ा मुंह मेरा पसरा हुआ ना, अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, ए तुम लोग को नेल काटना है? चलो नेल काटेंगे दोनों बच्चा का। राधे राधे बोलो पहले। राधे राधे अंकल आंटी को। इतना बड़ा है मम्मा, बड़ा मम्मा का मुंह है इतना बड़ा। हाँ, तो क्या कहना चाहती है? अंडा जैसा है, अंडा इतना बड़ा मुंह है और अंडा जैसा है, अंडा से भी बड़ा मुंह है। हाँ ठीक, जाओ यहाँ। तो आज हम इसलिए खुश है ना, बता देते हैं, बड़ा खुशखबरी है। रात को खाना नहीं बनाना है, नहीं बाहर से खाना नहीं आ रहा है, और किसी शादी पार्टी में भी नहीं जाना है। एक्चुअली ना, आज हम एक कमला सुबह ही रोटी बना लिए थे कि हम रात को भी वही रोटी सेक उक के खा लेंगे और खिला देंगे। भैया हम 3 टाइम 4 टाइम खाना नहीं बना सकते, एकदम पागल। किचन में घुसिए ठंडा में, सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना, गर्म करिए, कुछ भी करना उसको गर्म करिए, आइए जाइए। हम एक परात बना लिए हैं, रख दिए हैं, एक टाइम सुबह खा लिए, 4-5-6 रोटी बचा होगा, उसको अच्छे से घी लगा देंगे, इसका बाप खुश हो जाएगा। उसको खाली घी का खुशबू आना चाहिए, फिर 4 दिन का बासी रोटी भी है ना, तब भी उसको चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा सुबह का रोटी है शाम को रोटी है। बहुत बड़ा बेवकूफ। और सुनिए, तो घी के जगह में ना कभी कभी हम रिफाइंड भी लगा देते हैं, और उसको ये बोल के खिला देते हैं, बाबू खा ले, क्या लगा है? घी घी घी। सच्ची बता रहे जो है ना, घी तो हम लोग बचपन से खाते हैं, उसको ऐसा ही घी खिलाना चाहिए। और अगर कहीं डालडा मिले तो डालडा परोस दीजिए, और क्या, बड़ा है घी खाने वाला। सुबह सुबह ये आदमी कभी नहीं मेरा काम करता था, मगर आज देखिए क्या किया है। इसमें छत पे चढ़ा और सीम की फलियां तोड़ के लाया है, और भी मेरे लिए नहीं लाया है। सगुन की टीचर के पास अपना इम्प्रेशन जमाएगा। बहुत फ्रॉन्ट है, इसके लिए मेरा दिल आ गया, इसलिए दे रहा है। देखते हैं, देखिए ठरकी पना का हद होता है, आपके सामने भी बोल रहा है। सेम तोड़ा है, ये वाला पेड़ से, सामने वाले पेड़ से तोड़ा है, पूरा सब गदराया हुआ है। और हम जस्ट खिचड़ी का तैयारी कर रहे हैं, आज खिचड़ी बनाएंगे। तो मटर मंगाए थे, बड़ा महंगा है और लेकिन ताजा है, और फूल गोभी ही सब देख के बनाएंगे, आलू। अरे ज्यादा नहीं खाती है, खाएगी तो और देंगे ना। दो इधर चला, इसमें भी डालेंगे खिचड़ी। हो गया, बच्चा रहती होगी, 2 दिन खाएगी। था
खाएंगे तो फिर देंगे, अच्छा बोलेंगे तो। पहला क्लास में वही आती है ना ज्योति मैम, आती है पहले क्लास में, तीन सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश मैथ हिंदी। हाँ तो दे देना उनको, दे देना, हम एक मैसेज भी डाल देते हैं उनको। टाइम पे सगुन को सॉक्स नहीं मिलेगा, उसका कैप नहीं मिलेगा और सारा चीज लाके यहाँ पे फेंक देती है। सुनो जैकेट ले लो जैकेट, उसको मौसम ठंडा है बहुत ज्यादा, स्वेटर। अरे लड़का तुम्हारे जो पूरा पिंगा चालू हो गया रे। क्या नो जी, नो जी नहीं आएगा सुबह, सूज पहनता कहाँ है इसका, तो एकदम परेशानी हमको लग रहा है। और आज हम इस पतीले में बना रहे दोस्तों, क्योंकि उसमें खिचड़ी अच्छा नहीं रहता है, तो इसमें बना रहे एकदम मिक्स वेजिस डाल के सब। बैठो यहाँ तुम, बैठो, देखते हैं कैसा बनता है। ऊपर बैठ के देखो यहाँ, चढ़ जाओ। मिला टोपी, तुम्हारा टोपी हम बैग में ही रख देते फर्स्ट जिप में, देखो पहन लो घर वाला स्वेटर ही, क्या करूँ कैप नहीं मिल रहा है तो वो भी फेंक दे, उका है दिख तो रहा है। हाँ पहनो सगुन, चलो जैकेट ला दो तो फट से, बहुत ठंडा है मौसम, जानते बादल कर दिया है, बादल में तो ठंडा लग जाएगा, पतला सा स्वेटर में क्या होना है। क्या चाह लो, और नौजी तो पोच नहीं, टांग दू मत, टांग दू ना, टांग दू ना, चलो नौजी साफ कर दो उसका, ना सब करना है के लिए हो। बाय राधे राधे। खुश रहो खुश रहो, पर नाम नहीं करना, राधे राधे करना है रिश्मी, क्योंकि वो छोटा भाई है ना, छोटा भाई को प्रणाम नहीं कर दू, छोटा हम लोग को छूती है पैर, बाबू को भी छू लेती है कृष्णा भगवान बोल के जाओ। तो अब इधर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी खिचड़ी चढ़ा लेंगे और फिर घर को पोछा लगा देते, सब कुछ बहुत गंदा है। और आज तुम शायद बाहर बिल्कुल नहीं बैठ पाए, क्योंकि वेदर इतना खराब है, धूप नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आज हम लोग रजाई ओढ़ के सोएंगे। इधर आ गए पोछा उछा लगा के, सोचे कि इधर भी झाड़ू लगाएंगे, बहुत गंदा है। अरे इधर ठंडा इतना है ना कि हम क्या ही बोले, जम रहे हैं। अभी इसके पापा का इंतजार कर रहे, वो आएगा तो उससे कुछ काम लेना है, इधर ही बगिया से, बगिया से आया ही नहीं रहा है, लेट हो रहा है बड़ी, मेरे पैर में सॉक्स भी नहीं है, ठंडा लग रहा है। आदमी जानते कहाँ था, मैं एक घंटा से बैठी हूँ यहाँ और ये पीछे गप सुन रहा था, वहाँ पे कुछ काम था वहाँ पे, आए बताइए। इतना मौसम खराब है, मेरे चक्कर में वो बच्चा भी घूम रहा है नाक उक बहा के। अच्छा पे पैर रखो ना, वहाँ पे सब्जी है, पालक साग है, भाग रहे यहाँ से दीके। फोन पकड़ो और जो बोलेंगे जो करो, जो करेंगे जो करो। हाँ वहाँ पे जाएगा फोन लेके, उस कॉर्नर में वहाँ पे कुछ हलचल हो रहा था, कलम देखे हैं, क्या हलचल हो रहा था देखो ना, लगो ना जाना। हाँ यही पे वो वाला जो है ना। ओके तो दोस्तों, एक सस्पेंस, एक सीक्रेट, एक राज मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं उसके साथ, क्योंकि ये बोल रही है कि कल यहाँ पे कुछ हलचल हो रहा था, कोई सांप छुपा हुआ हो सकता है या कुछ छुपा हुआ हो सकता है। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो लत्ता था, लत्ते का झुंड है, इसी में कुछ है, यहीं दिख रहा था जी, यहीं हलचल हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ यहाँ कुछ तो नहीं दिख रहा, शायद कुछ भाग गया, कुछ था भाग गया, नहीं कुछ है नहीं है, शायद कुछ था भाग गया, नीचे नीचे बर्ड्स नहीं है, देखो तो ना, नहीं है मिला नहीं, लेकिन हम लोग कल देखे थे वहाँ पे जो बेबी बर्ड थी ना, एक वहाँ पे थी, उसकी मामा उसको फीडिंग करा रही थी, तो हमको लगता है उड़ने नहीं सकती वो, फिर कहीं इधर उधर गिर गई है, क्योंकि बच्चा लोग ऐसा करता है ना, अपने घर में नहीं रहता है, अब फिर से डोबो से उसको खतरा हो सकता है, वही चिंता सता रहा है, क्योंकि गिरा होगा दोनों वहाँ से, दोनों बच्चा, और दोनों गिर गया, एक मर गया एक बच गया, बहुत सुंदर थी यार, और इतना बड़ा साइज है ना, हम देखे कल एकदम पूरा ऐसे ऐसे गर्दन कर रहा था तो। ओके तो फ्रेंड्स, पहली बार ये थोड़ा स्पाइसी और लजीज खिचड़ी बनाई, नहीं तो इसका खिचड़ी तो मरीजों वाला खिचड़ी रहता था बच्चा के चलते, तो पहली बार ये लहसुन अदरक डाल के और कुर्थी का दाल था जो मेरा फेवरेट है, उसके साथ कहीं से ढूंढ के निकाली, कल उसको धोई है, वो बनाई है, और पिंगा इधर खा रहा है तिलकुट। पिंगा लुक एट मी, क्या खा रहा बच्चा, तिलकुट। ठंड के मौसम में तो यही सब खा रहा है, चोखा है,
उधर दूध भी चढ़ गया है। वेदर बादल वाला वेदर हो गया, देखिए 10 बज गए लेकिन अभी तक धूप नहीं आया है। चलो जल्दी करो यार, हमको भी ऑफिस निकलना, लेट हो जाएंगे। चलो पानी निकालो ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। नहीं नहीं, मिलते हैं कैसे, खाते हुए बताएंगे। खाते हुए बताओगी? हाँ, कि कैसा लगा? ये अचार ये मंगवाई हुई है बहुत दूर से, बड़ा गांव से। बड़ा गांव से, मायके से। ये ससुराल का चीज बहुत खाता है। लेकिन हमको दहेज नहीं मिला, धीरे धीरे ये लोग करके वसूल कर दिया। दहेज नहीं मिला ना, दहेज नहीं मिला। नहीं, मैंने नहीं लिया, आई डिडंट डिमांड फॉर दिस। और उस नहीं मिला, और इतना परेशान किया है। बट इतने सालों में लोग इतना कर दिए और दे दिए कि दैट इज मोर देन दैट। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा आप सभी को, दहेज नहीं लीजिए, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन पत्नी इकलौती बेटी होनी चाहिए घर की, तभी मिलेगा। टेस्टी लग रहा है एकदम, बहुत स्पाइसी है, क्योंकि ना बॉईल करते समय भी डाले थे और फिर छौंक के भी मिर्ची से। चोखा तो नया आलू का है। मुझे छुट्टी होगा ना तो थोड़ा सा नाचने उछने में हो जाता है, तो खा लिए दबा के, ठंड है तो बस सोया जाएगा। रजाई वहां से कंबल खींचेंगे और हम बाबू सो जाएंगे, बहुत ठंडा है। और शगुन भी अब आएगी, ये लेट से ऑफिस जा रहा है क्योंकि आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, है ना, है ना। पीछे हो ना, पीछे ठंड में नहाया है, बुरा आकर गया था एकदम बिल्कुल, अभी जैकेट पहन के टाइट हो गया। आज इसका इवेंट है, मस्त एकदम पेट फुला के खा के आएगा। क्या खाएगा? मेरा फेवरेट कटलेट। तो आज है एक बड़ा सा गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ के साथ साथ है बैड न्यूज़, क्योंकि शगुन का स्कूल हो गया छुट्टी विंटर वेकेशन के लिए। विंटर वेकेशन का छुट्टी हो गया, लेकिन इतना सारा होमवर्क मिल गया ना कि जिसको बनाते बनाते हमारा छुट्टी बीत जाएगा। तो शगुन आ चुके हैं स्कूल से ठंडी में कड़कड़ाते हुए। मैं इधर पूरा पैर का इंतजाम करके जस्ट बैठी हुई हूँ, कहीं नहीं हिलना है। एक पतीला खिचड़ी चढ़ा दिए हैं और दिन भर खिचड़ी गर्म कर करके खाते जाएगा सब लोग, रात तक हमारा चल जाएगा। क्या ही करें, जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ खाएंगे। सुनो ए बच्ची, चमड़े खिचड़ी वो निकाल के लाना, ठीक है? जाओ ना, जाओ नोजी साफ करो यार, सबका नाक बहना शुरू किया। किसमें खिचड़ी लाएगी जानती हो? वो गड्ढा वाला जो कटोरा है ना, उसमें लाना और चोखा निकाल लेना, ठीक है? जाओ, हाँ चोखा भी बना है, जल्दी लेके अब खिला देंगे और सोएंगे हम। जाओ जल्दी जाओ। और आज इसका पापा तो लेट से आएगा, तो हम लोग अच्छा किए कि ज्यादा खाना बना लिए, मतलब खिचड़ी पता नहीं चला, सब सब्जी उब्जी डालें ज्यादा हो गया, बढ़ गया तो खा लेंगे। बहुत मौसम ठंडा है, बना नहीं पाएंगे दोस्तों। मेरा पैर बहुत ज्यादा गंध मार रहा है, ए भगवान, गंध नहीं मार रहा, मतलब बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है, क्या ही बोले, कौन जाने हमारा दर्द। घंटे से बेड में घुसे घुसे फिर भी पैर गर्म नहीं हुआ। फाइनली जब दरवाजा खोले तो शगुन बोली, मम्मा बहुत जोर से धूप आ गया है। हम बोले चलो चलो चटाई बिछाओ, बाबा जाके धूप सेकेंगे। चटाई बिछाई फिर आए, उसके बाद अभी जा रहे हैं खानेंगे। ठंड के मौसम में मूढ़ी, देखिए ये मिक्सचर और ये मूढ़ी और मटर जो था ना बचा के रखे थोड़ा सा, इसके साथ में मटर मिला के, जो ग्रीन वाला मटर होता है ना ताज़ा, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है हमको, तो हम वही खाने जा रहे दोस्तों। और थैंक गॉड कि धूप आ गया, नहीं तो सच बता रहे आज मतलब हम पता नहीं क्या होता शाम तक, क्योंकि यहाँ से नीचे एकदम पूरा ठंड पड़ा है एकदम। देखिए ना, कभी हम सॉक्स पहन के इधर नहीं आते हैं, लेकिन हम सॉक्स पहन के आ गए क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो अभी ये सब करेंगे, उसके बाद देखते हैं। फिर बाबू भी सोया है, उसको सोया के छोड़ दिए, चलते शगुन को पढ़ाएंगे, होमवर्क कराएंगे, और कुछ कुछ काम है दोस्तों तो करेंगे। शगुन का ड्रेस वगैरह है जो धोना है, मेरा भी कुछ कपड़ा वो धोना है, सरफ में डाल देते हैं, फिर टाइम निकाल के धो लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मैं देख रही हूँ वाली बर्ड्स फिर आ तो नहीं गई, लेकिन नहीं, बच्चा कहीं चला गया है तो नहीं है। बाय दोस्तों।